आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आज की टॉपिक है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी पर्टिकुलर नंबर को या किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम फॉर्मेट करेंगे एक कंडीशंस के बिहाव पे। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो मोस्टली यूज होने वाले जो फंक्शंस थे वो हमने आपको बताया था। आज चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करना हो, जैसे कि मुझे मान लीजिए नॉर्मली तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि इक्वल किया और हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट निकाल देते हैं। अब इस बार एक कैलकुलेशन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद अगर उसका रिजल्ट जो है मोर देन 1000 आता है, तो वो हाईलाइट हो जाए और 1000 से नीचे वाले हाईलाइट ना हो। लेकिन इसकी कैलकुलेशन मैं यहां पे नहीं करना चाहता और मैं कलर भी पूरी की पूरी रो को करना चाहता हूं। तो याद रखिएगा इस केस के लिए कोई पहले से बनी बनाई कोई कंडीशंस अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करूंगा, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, न्यू रूल्स में आऊंगा और यहां यूज फॉर्मूला, और यहां पे मैं ये कंडीशन दूंगा कि इसको मल्टीप्लाई करने पर इसको क्या एक ग्रेटर देन 1000 है। ध्यान से देखिए, हमने E2 मल्टीप्लाई बाय F2 इज ग्रेटर देन 1000 किया है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पे डॉलर साइन लगा हुआ है, और डॉलर साइन हमने किस चीज के लिए बताया था? डॉलर साइन हमने बताया था कि यूज होता है फ्रीज करने के लिए। तो ये यहां पे इसने फ्रीज कर दिया हुआ है, राइट? तो मैं अगर चाहूं कि इसका हाईलाइट करूं तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि ये सब जो है E2 और F2 की बिहाफ पे ही हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं नीचे जब ड्रैग करूं तो E2, E3, E4 इस तरह से कन्वर्ट हो, तो यहाँ पे हम डॉलर साइन हटा देते हैं। लेकिन ड्रो क्या आएगा, डॉलर साइन हटाएंगे, कॉलम तो हमारा फिक्स है ही, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने अपनी फॉर्मेट सेलेक्ट कर ली, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया और हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी एंड ओके। और फिर यहां से हमने एक एरिया को लिया, फॉर्मेट प्रिंटर से एरिया पेंट कर दिया। तो हमने कैसे किया, अब यहां पे क्या हो गया, लग रहा है हमने कुछ गलती की है। ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए ना, वो 1000 करने की जगह पे हमने 100 ही कर दिया था, 1000 ने डाली एंड ओके कीजिए। अब मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर लेता हूं यहां से, और पूरे के पूरे जो भी डेटा है जहां तक करना है वहां तक हाईलाइट कर दीजिए। अब जो नहीं है 1000 वो देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें मैंने 10 कर देता हूं तो ये हट जाएगा। यहां पे मान लीजिए मैं 30 कर देता हूं, ठीक है, इस तरह से इसका यूज करते। यही नहीं, अब फॉर्मेट प्रिंटर एक सिर पे किया और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और फिर मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एग्जांपल और भी है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मा लगाता हूँ रैंडम नंबर के लिए, यहाँ लगाता हूँ रैन बिटवीन का फॉर्मा लगाता हूँ रैंडम नंबर के लिए और इसको आगे की तरफ नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दिया, फिर कॉपी करके इस पे मैं पेस्ट वैल्यू करता हूं। अब मैं यहां पे करता हूं सर्च, सर्च मतलब कि अगर मैं यहां पे 10 लिखूं तो इसके अंदर जो भी यहां टाइप करूं जो यहां हो सब पूरा हाईलाइट हो जाए। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे जस्ट मुझे इक्वल करना है, यहां फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं। अब बस आप अपने एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए
और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ हाईलाइट सेल्स रूल्स में इक्वल टू पे आइए और यहाँ पे इस 10 को सिलेक्ट कर लीजिए। बस यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हैं और यहाँ पे किसी रेफरेंस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, इसका एड्रेस आ जाएगा B2। अब जो B2 की वैल्यू होगी जहाँ जहाँ मैच होगी वो सारा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखिए 15, 17 हाईलाइट हो गया, ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, इसका भी यूज कर सकते हैं। साथ में कोई फॉर्मूला, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई टेक्स्ट ना लिखे, जो भी लिखे नंबर लिखे किसी भी पर्सन यहाँ पे टेक्स्ट ना लिख पाए, तो इसमें नंबर है या टेक्स्ट है कैसे पता चलता है? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट। ध्यान रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि ये टेक्स्ट है नहीं और इसका रिजल्ट मुझे यहाँ चाहिए, जहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है मनीष जी वहां पे क्लिक कीजिए और इक्वल प्रेस कीजिए और उसके बाद जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसका नाम लिखिए। तो जैसे मुझे लगाना है इज टेक्स्ट, तो मैंने आई एस लिखा तो यहाँ नीचे लिस्ट आ गया, इज ब्लैंक इज एरर आ रहा है ना, ऐसे में नीचे आपको दिखेगा इज टेक्स्ट। तो मुझे नहीं दिख रहा है तो नीचे डिस्कॉल भी कर सकते, यहाँ पे टी लिख दीजिए तो इज टेक्स्ट आ गया। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, जस्ट आपको अपने कीबोर्ड का टैब की प्रेस कीजिए, ये एरो की से ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, तो टैब की प्रेस करते हैं आपके सामने यहाँ दिख जाएगा इज टेक्स्ट और फिर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। रिजल्ट आया फॉल्स, क्यों? क्योंकि ये नंबर है, अगर ट्रू आता नंबर टेक्स्ट होता तो ट्रू आता। तो इज टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है कि किसी सेल वैल्यू में अगर टेक्स्ट लिखा है तो रिजल्ट ट्रू देता है, अगर नहीं तो फॉल्स देता है। ठीक है, तो यहां पे हम कंडीशन जहां पे हमें कलर करना है वहां हम सिलेक्ट करेंगे सिंगल सेल को और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में जाएंगे यूज फॉर्मूला और यहां भी हम इक्वल इज टेक्स्ट लिखेंगे। यहां मैनुअली लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट करने का सिस्टम नहीं है। और यहां पे मैं A2 देना है तो आप क्लिक करके दे सकते हैं या फिर मैनुअल A2 भी लिख सकते हैं। अब यहां पे इक्वल ट्रू फॉल्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इज टेक्स्ट का रिजल्ट ही ट्रू आता है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ट्रू ही चाहिए, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट पे जाते हैं और यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग जो भी चाहिए वो अप्लाई कर दीजिए एंड ओके। और यहाँ पे कोई डॉलर साइन नहीं है तो आप फॉर्मेट प्रिंटर से जहां मर्जी तहां तक कर सकते हैं। तो जो ब्लैंक है वो ब्लैंक भी नंबर ही होता है, इसलिए ब्लैंक पे भी ट्रू ही मिलता है। तो यहाँ पे अगर नंबर टाइप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया या फिर आपने टेक्स्ट नंबर साथ में किया, अगर आपने टेक्स्ट और नंबर साथ में लिखता है वो भी टेक्स्ट कैटेगरी में ही आता है। इस पे कोई डाउट आप लोगों को? मनीष जी, भगवानलाल जी, कोई डाउट? राकेश जी, क्या नहीं समझा आपने? सिंपल सी बात समझिए कि आपके पास जैसे मान लीजिए यहाँ अमाउंट का कॉलम, कोई एक कॉलम है उस पे आप किसी से डेटा एंट्री करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट ना लिखे। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं इस RS, मान लीजिए यहाँ पे नंबर कोई लिख रहा है, ठीक है नंबर लिख रहा है और किसी ने लिख दिया RS 500, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं नीचे जहां मुझे सम लगाना है वहां पे कर्सर रखूंगा और यहाँ पे इक्वल सम का फॉर्मूला दूंगा, तो सम के फॉर्मूला में मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे डेटा को और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, एंटर मारता हूँ, रिजल्ट आ जाएगा। बट इस रिजल्ट में आपका 500 इंक्लूड नहीं है, समझे? देखिए यहाँ पे मैंने इसको हटा के किया है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5249। क्यों ये 500 क्यों नहीं इंक्लूड हुआ? रीजन था कि ये टेक्स्ट है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर आप किसी भी तरह का करेक्टर ऐड कर देते हैं तो करेक्टर हो जाता है और इसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है, समझे?
अब ऐसे बहुत सारे डेटा होंगे, उसको ढूंढने में आपको टाइम लगेगा ना सर। मान लीजिए अभी 4-5 डेटा दिख रहा है, लेकिन आपके पास डेटा जब ज्यादा होगा तो ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आप उसको कलर से हाईलाइट कर देंगे तो दिख जाएगा आपको, या फिर कलर फिल्टर कर लेंगे तो आपको एक जगह आ जाएगा। अब समझ में आया कि आपको करना क्या है? हाँ, अब बताते हैं कि अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे पता चलेगा कि नंबर है या टेक्स्ट है। तो इसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक फॉर्मूला देना पड़ेगा। तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट का काम क्या है? रिजल्ट में इंफॉर्मेशन फॉर्मूला है और रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स देता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम जो सेल का रेफरेंस देंगे, मैंने यहां पे F2 दिया, अगर F2 के अंदर नंबर हुआ तो टेक्स्ट ये आपको इस टेक्स्ट का फॉर्मूला रिजल्ट करेगा फॉल्स, ठीक है। और यहां भी कोई टेक्स्ट हुआ रिजल्ट देगा ट्रू, चाहे टेक्स्ट हो या नंबर के साथ कोई करेक्टर हो उस भी टेक्स्ट होता है। समझ गए फॉर्मूला? फॉर्मूला को हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाना है। तो उसके लिए आप पहले एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करो जहां पे कलर अप्लाई करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में जाइए और सबसे लास्ट वाला यूज फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पे आप कीजिए इक्वल इज टेक्स्ट जैसे आपने वहां पे किया था, और यहां पे F2 ले लीजिए। आप क्लिक करके भी ले सकते हैं या मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना है क्योंकि कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है ट्रू एंड फॉल्स पे। ट्रू पे अप्लाई होता है, फॉल्स अप्लाई नहीं होता है, और इच टेक्स्ट का रिजल्ट भी ट्रू एंड फॉल्स आता है, ठीक है। तो यहां पे आपको फॉर्मेट पे जाके अपनी कंडीशंस कलर आपका दे देना है। तो आपने ये कंडीशन दे दिया, यहां कलर दे दिया, देन ओके कर दिया, बट ये अप्लाई हुआ है अभी सिंगल सेल पे। मुझे इसकी फॉर्मेटिंग नीचे तक लानी है, तो हमारे पास फॉर्मेट प्रिंटर होता है जो कि जिस सेल पे क्लिक है उसका फॉर्मेट जहां जहां आप ड्रैग करते हैं वहां वहां अप्लाई कर देता है। तो इसने हमने यहां तक ड्रैग कर दिया तो इसने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे RS 500 आपको पता चल गया कि टेक्स्ट है, तो आप इसको सही कर लोगे तो फिर सब में रिजल्ट आ जाएगा आपका। समझ गया? हेलो, डाउट इसमें? चलिए इसमें एक चीज और करते हैं। हमारे पास यहां पे मोबाइल नंबर है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मोबाइल नंबर एंटर कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग जो है पूरा कम डिजिट लिख देता है। ऐसे आपके बहुत सारे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और आपको ये देखना है कि कौन सा मोबाइल नंबर गलत है, मतलब कि 10 डिजिट से ज्यादा या कम है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर लिखता हूं तो इसमें कितना करेक्टर लिखा है, इस बात का पता लगाने के लिए इसके बगल में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो है लेन का फॉर्मूला। लेन का फॉर्मूला क्या करता है? लेन हमने टैब मारा तो ये आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, और इसमें हमने K2 पे क्लिक कर दिया तो K2 सिलेक्ट हो गया। तो लेन फॉर्मूला बताएगा कि इस K2 मतलब K कॉलम के 2 नंबर रो पे कितना डिजिट लिखा हुआ है, इसका कितना करेक्टर लिखा हुआ है, 10 बता दिया। अगर आप किसी लेन लगाते हैं किसी ब्लैंक सेल पे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि तो कोई करेक्टर नहीं लिखा हुआ। तो हमें हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने में हमें देना है नॉट इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन 0। हम यहां पे 2 कंडीशन अप्लाई करना है, क्यों बताता हूं आपको। कि अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और फॉर्मूले पे गया और यहां पे मैंने फॉर्मूला लगाया लेन का इक्वल LEN लेन ब्रैकेट ओपन, और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया राइट सर, और ब्रैकेट को क्लोज किया और हमने 2 का डॉलर साइन हटा देता हूं और फॉर्मेट प्रिंटर में हम कलर दे देते हैं। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया, हमने लेन का फॉर्मूला लगाया और K2 को लिख दिया, और अभी क्या है कि लेन क्या रिजल्ट देता है,
एक नंबर देगा, 1, 10, 5, 10 जो भी नंबर लिखा जितना लिखा होगा डिजिट या नंबर या करेक्टर वो देगा, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो इसमें नहीं चलता ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो ट्रू एंड फॉल्स में चलता है। तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इज नॉट इक्वल टू 10 ताकि इन सबों का रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आए, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस होता है, ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल। इसमें नॉट इक्वल है मतलब कि लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 10, तो नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा। हुआ तो क्लियर हो जाए, तो हमने इसको ओके कर दिया। जैसे किसी भी इस पे अगर आप लेते हैं और बोलते हैं नॉट इक्वल टू 10 रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, तो फॉल्स आया। अगर ये 9 होता तो ट्रू आता क्योंकि 10 के बराबर नहीं है। तो ये सेम चीज हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग में लगाया। तो यहां पे जो फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ मैं पेंट करूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेन आ रहा है 0 और 0 भी तो नॉट इक्वल टू 10 होता है। तो मतलब कि हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में दो कंडीशन देना होगा, हमें बताना होगा कि लेन की जो लेन का जो फॉर्मूला का रिजल्ट है वो नॉट इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 से पता चलेगा कि हाँ उस सेल में कोई वैल्यू टाइप की गई है, ब्लैंक नहीं है। तो ब्लैंक को छोड़ के उस वैल्यू को हाईलाइट करेगा जो जिसमें कुछ टाइप है। तो यहां पे हमें देना पड़ेगा एंड का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे दोनों दो कंडीशन चाहिए, दो या दो से ज्यादा चाहिए। दो या दो से ज्यादा कंडीशन के लिए हमें एंड या और लगाना पड़ता है। यहां पे एंड लगा रहा हूं क्योंकि दोनों कंडीशन हमारा रिक्वायर है, भाई 0 से भी बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को मैं दो बार लगाता हूं के 2 और यहां पे देता हूं ग्रेटर देन 0। तो यहां पे हमने दो कंडीशन एक साथ लिख दिया कि लेन के 2 इज नॉट इक्वल टू 10 और लेन के 2 इज ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको ओके करता हूं और अप्लाई करता हूं तो आप देखिए ब्लैंक सेल का हट गया और जैसे डिजिट कम लिखेंगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा। तो समझ में आया आपको, आप लोगों को कोई डाउट इसमें? हेलो, ठीक है। तो दो कंडीशन लगाना होगा, जैसे आपको ये हाईलाइट करना है दो कंडीशन में, दो से ज्यादा कंडीशंस में, और सारे कंडीशन होने चाहिए। तो यहाँ पे आप एंड फॉर्मूले के अंदर में जो भी कंडीशन है, जो भी फॉर्मूला है आप लगाएंगे। और याद रखिएगा एंड जो है वो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में देता है, तो इक्वल पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ट्रू एंड फॉल्स ही देगा। अब और की बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेट डले हुए, इस महीने का डेट डाल देता हूँ और मुझे इसमें सैटरडे एंड संडे के डेट को हाईलाइट करना। कोई डेट सैटरडे का है या संडे का है कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टेक्स्ट का, टेक्स्ट, और इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग का जो याद होगा मैं बताया था आपको, यहाँ दूंगा मैं डी डी डी, तीन बार डी डाल दूंगा। तो इस डेट में से सिर्फ जो इसका वीक डे होगा वो आपको दिखाएगा शॉर्ट फॉर्म में, दिखा दिया। टेक्स्ट फॉर्मूला से हमें पता चल जाएगा, हमने टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया एक बार दोबारा देख लीजिए। हमने इक्वल प्रेस किया, टेक्स्ट को लिखा, टेक्स्ट सामने दिख गया और हमने माउस की से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और हमने टैब की को प्रेस कर दिया तो पूरा फॉर्मूला टाइप होकर ब्रैकेट ओपन हो गया। फिर हमने अपनी इनपुट डेट को सिलेक्ट पे जाके क्लिक किया, या फिर आप ओवर मैनुअल भी लिख सकते हो। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डबल कोटेशन मार्क बोलते हैं इसको, ये आपको एंटर के बगल में होता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करना होता है। डबल कोटेशन में हम यहाँ पे डी 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 स्मॉल सा कैप्स किसी में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जैसे एंटर मारोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे कंडीशन लगाना है कि टेक्स्ट का रिजल्ट इक्वल टू सैटरडे हो या इक्वल टू संडे हो। तो दो कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें एंड या और लगाएंगे, लेकिन यहां पे एंड नहीं लगेगा क्योंकि रिजल्ट में एक ही कोई हो सकता है, खाए तो सैटरडे हो सकता है, ये खाए तो संडे हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शनल कहलाएगा, रिक्वायर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक डेट खाए तो सैटरडे होगा या संडे होगा।
तो यहां पे हमने टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई यहां और के अंदर में और फॉर्मूला लगाया और इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मूला हमने लगाया और टेक्स्ट के अंदर में ओ टू हम सिलेक्ट कर लेंगे माउस से क्लिक करके या फिर मैनुअल लिख देते हैं डी डी डी। अगर ए इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं सटर्ड और इसी फॉर्मूले को हम वापस दोबारा से कॉमा लगा के टाइप कर देंगे और इसमें बोल देंगे इक्वल टू संडे। तो अब क्या होगा कि अगर इसमें संडे हुआ या सैटरडे हुआ दोनों में से कोई डेट डे हुआ तो ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा और जब ट्रू आएगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेट में दी गई कलर को अप्लाई कर देगा या फिर जो भी फॉर्मेट आपने दिया। ओके ओके एक मिनट देखिए इसमें कुछ एरर है हमने कुछ छोड़ दिया है इसमें। हाँ और टेक्स्ट ओ टू हमने यहाँ पे देखिए कोटेशन मार्क को क्लोज नहीं किया और यहाँ भी क्लोज नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ ब्रैकेट कर दिया हाँ यहाँ ब्रैकेट नहीं है ना। और फॉर्मेट प्रिंटर से हमने नीचे की तरफ पेंट कर दिया तो जहां जहां सैटरडे संडे था वो आपका हाईलाइट हो गया। ठीक है भगवान जी आर मनीष जी गुड आउट। हाँ हाँ बोलिए सुन रहा हूं। हाँ नहीं तो आपको जैसे कि नहीं समझे मुझे यहाँ पे सिर्फ डे चाहिए ना आपको डेट को जैसा फॉर्मेट चाहिए उसमें कर सकते हैं। जैसे मुझे डेट चाहिए कुछ और फॉर्मेट में तो टेक्स्ट फॉर्मूला में इसको सेलेक्ट करके इन्वर्टेड कॉमा में आपके डी डी स्लैश एम एम करेंगे तो फिर आपका डेट आएगा ना। लेकिन हमें तो सैटरडे संडे फाइंड करना है ना सर इसलिए हमने तीन डी कर दिया। तो आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं तो कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको सिखाया ही था। आप तीन डी करेंगे तो सैटरडे संडे शॉर्ट फॉर्म में आएगा अगर आप चार डी करेंगे तो पूरा सैटरडे संडे पूरा फुल नेम में आएगा ट्यूजडे पूरा लिखा हुआ आ रहा शॉर्ट नहीं आ रहा ऐसे आप। अब बात आती है कि हम फॉर्मूले में अभी कच्चे हैं अभी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला सिखाया नहीं है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक और क्लास में दूंगा लेकिन जब फॉर्मूला का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो। लेकिन अभी आपको जितना फॉर्मूला पता है उसके बिहाफ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप अप्लाई कीजिए ठीक है। और संडे आप लोग अगर फ्री हैं तो संडे को मैं सोचता हूँ थोड़ा सा लंबा क्लास लेने की